नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की सबसे बड़ी खबर दे देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ट्रेड यूनियन है, उसकी 10 बड़ी बड़ी यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, इन्होंने एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को और आगे कहा है, सांत्वना दी है कि वो सारे जितने भी कार्यक्रम जीडीएस रखेगी उनमें साथ देंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े 10 बड़े यूनियन हैं और ये जीडीएस के नहीं है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लेटर लिखा है, सबसे पहला कदम यहाँ पे 24 तारीख को लेटर लिखा था और यहाँ पे जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो है जीडीएस के सारे मसले को हल करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे बताना चाहेंगे लेटर में क्या क्या लिखा गया है। फिलहाल ये जो लेटर है परमानेंट होने के लिए नहीं, जीडीएस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। तो दोस्तों आपको पता होगा काफ़ी सारे स्ट्राइक हुए और जितने जीडीएस थे, जीडीएस यूनियन थे और डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी यहाँ पे बात रखी गई थी कि जो जीडीएस चाहते हैं वैसा ही होगा, पूरी तरह से जीडीएस रिपोर्ट लागू होगी, जैसा मांगे हैं जीडीएस रिपोर्ट में वो होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ग्रामीण डाक सेवक ने जीडीएस रिपोर्ट बनाया है, डिपार्टमेंट के बंदे ने ही जीडीएस रिपोर्ट बनाया है और उसी रिपोर्ट को भी उन्होंने काट छाट कर दिया है बुरी तरह से दोस्तों, बुरी तरह से काट छाट की है जीडीएस रिपोर्ट की। आपको अभी बताते हैं क्या क्या मांगे इस जो 10 यूनियन है उन्होंने रखा है कि आप ग्रामीण डाक सेवक के साथ ये इंसाफ कीजिए वरना हम भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। 10 बड़ी यूनियन है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की। अभी आपको बताते हैं कौन कौन से जीडीएस रिपोर्ट की मांगे को लेकर वो यहाँ पे आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बताया है जैसे का तैसा जीडीएस रिपोर्ट है जस के तस इम्प्लीमेंट कीजिए, वो भी 1 जनवरी 2016 से, पहली मांग। दूसरी मांग है उन्होंने एक कैलकुलेशन का अलग फार्मूला लगाया था, आपने कहाँ से अलग सा दूसरा फार्मूला ला दिया। तो ये कमलेश चंद्र जी ने जो बनाया है उस फार्मूला के ऊपर आपने कैसा फार्मूला बना दिया, ये इस पर थोड़े बहुत काट छाट जो की गई है उसको ठीक कीजिए। ये जो अपर लिमिट था ग्रेचुटी का 5 लाख था, इसको 1.5 लाख कैसे कर दिया, इसका भी जवाब मांगा है। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का भी जो था 5 लाख कर दिया गया था, उसको भी दोस्तों सब्सक्रिप्शन जो था वो उसको बदलने के लिए भी यहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों SDBS स्कीम और जितने भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बार बार बता चुके हैं, चिल्ड्रन एडुकेशन, इसलिए हम ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे। फिलहाल आप ये जो खबर है इस पर गौर कीजिए, 10 बड़ी यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेड यूनियन अब जो है जीडीएस का साथ दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं इसका मतलब सिर्फ एक है, जीडीएस रिपोर्ट में जितने भी मांगे थे, जैसे भी मांगे थे, आप सभी डिपार्टमेंट ने ही तो बनाई है। तो डिपार्टमेंट ने जो यहाँ पे नियुक्त किया गया था कमलेश चंद्र जी को, उन्होंने बनाई है, ये थोड़ी ना जीडीएस ने बनाई है जो आपने इतने सारे काट चाट कर दी। तो आपने किस मुताबिक इसकी काट चाट की है, जैसा है वैसा दीजिए वरना अब जीडीएस चुप नहीं रहने वाला है। एक तो दोस्तों आपको बता दें 2 अक्टूबर को जीडीएस ने, राजस्थान के जीडीएस और आसपास के जीडीएस ने ये सोच लिया है मिलकर महासम्मेलन करना है, यूनियन साथ नहीं दे रही है तो यूनियन को भी छोड़ना है और सरकार के खिलाफ विरोध जताना है, विरुद्ध कार्यक्रम यहाँ पे बहुत सारे दर्ज करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जीडीएस पूरी तरह से जागता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जीडीएस रिपोर्ट की बात की गई है लेकिन जीडीएस को परमानेंट कराने के लिए भी आगे कदम उठाएंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, साइन है करीब करीब 10 यूनियन है सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेड यूनियन की, तो यहाँ पे सभी के साइन है और ये जीडीएस का अभी साथ देने जा रहे हैं। पहला जो कदम इन्होंने उठाया है, लेटर लिखा है प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो तो पोस्टमैन की काफ़ी तारीफ करते हैं, पीठ पीछे ये सारी हरकतें हो रही है। तो अभी आप ये लेटेस्ट अपडेट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको आगे की खबरें भी बताएंगे। एक RTI हमें मिली है, जीडीएस रिपोर्ट पे खुलासा करेंगे कुछ देर बाद। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।